लोकसभा चुनाव में 100 से भी कम दिन अब बचे हैं। इस बार चुनाव बहुत ही रोचक होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। यूपी में होने वाली राजनीति का देश की राजनीति में बड़ा हिस्सा है। ऐसे में केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, इसमें भी यूपी का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। यूपी भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहां 24 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जो देश की कुल आबादी के लगभग 18% है। तो आइए स्पेशल स्टोरी से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में कौन कौन से फैक्टर हैं जो गेम चेंजर रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं यूपी में कितने राजनीतिक दल हैं। फिलहाल यूपी में प्रमुख 4 राष्ट्रीय पार्टी हैं और 8 स्तरीय पार्टियों के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है। अब समझते हैं कि चुनाव में कौन कौन से फैक्टर गेम चेंजर हो सकते हैं। जाति उत्तर प्रदेश में चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी पार्टियां जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ेंगी। कुर्मी, यादव, जाट, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समुदाय का नतीजों पर काफी ज्यादा असर रहता है। विकास भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और सभी पार्टियां विकास के अपने दावे पेश भी करेंगी। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए विकास का दावा भी किया जाएगा। इसके अलावा सभी पार्टियां प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर करने का अपना दावा भी कर सकती हैं। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसान मसले और सामाजिक समस्याएं भी चुनाव के बड़े फैक्टर होते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि इस चुनाव में बड़े नेता कौन कौन से हैं। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के लोकप्रिय चेहरे हैं। उनका हिंदुत्व वोट बैंक भी मजबूत है। इनके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी भी भाजपा के बड़े नेता हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी जाट मतदाताओं के एक बड़े नेता हैं। सपा से अखिलेश यादव युवाओं और मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित कर सकते हैं। शिवपाल यादव यादव समुदाय को एकजुट करने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती दलितों की बड़ी नेता हैं। वहीं कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं और युवाओं के हक में आवाज उठाने वाली बड़ी नेता है और साथ ही राहुल गांधी भी युवाओं में अपना अच्छा प्रभाव हमेशा से रखते हैं। अब चुनाव से पहले कैसे राजनीतिक पार्टियां इन गेम चेंजिंग फैक्टर्स का इस्तेमाल करती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी।